नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आईएएस अधिकारी बनने का सपना किसका नहीं होगा। जिन भी युवाओं ने अभी अभी स्नातक की पढ़ाई की है, उन्होंने आईएएस की कुर्सी पर बैठने का सपना जिंदगी में एक ना एक बार जरूर देखा होगा। इतना ही नहीं, आप आईएएस बनने के क्रेज का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि हर साल लाखों बच्चे इस परीक्षा में शामिल होने के लिए फॉर्म भरते हैं, लेकिन सबकी किस्मत सबका साथ नहीं देती है और 100 ही उम्मीदवारों का चुनाव आईएएस अधिकारी बनने की रेस में होता है। इसी कड़ी में एक और सवाल जो आईएएस बनने की इच्छा रखते हैं उनके मन में होता है कि आईएएस अधिकारी बनने के बाद चुने गए अभ्यर्थियों को कितना वेतन मिलेगा, क्योंकि परीक्षा की तैयारी तो शुरू कर देते हैं, उसके बाद परीक्षा में भी बैठ जाते हैं, लेकिन सवाल वेतन को लेकर उठने लगता है, क्योंकि सरकारी नौकरी और पद प्रतिष्ठा के नाम पर हम इस रेस में शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन इस रेस में सफलता मिलने के बाद हमें क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है, इस बारे में जानना बेहद ही जरूरी है। ऐसे में आज हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं। 7th पे कमीशन के आ जाने के बाद से आईएएस सैलरी में बेसिक पे, ग्रेड पे, महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए, चिकित्सा भत्ता, वाहन भत्ता शामिल है। आपको बता दें कि डीए पोस्टिंग के शहर पर निर्भर करता है और यह हर शहर में अलग अलग होता है। उसी तरह एचआरए भी आईएएस अधिकारी के आवास पर निर्भर करता है। यदि वो सरकार द्वारा प्रदान की गई आवास सुविधा का लाभ उठा रहा है तो वो एचआरए का हकदार होगा। सभी भत्ता अधिकारी से अधिकारी के लिए भिन्न होता है। जैसे कि एसडीएम, अवर सचिव, सहायक सचिव को वेतन के रूप में लगभग 56,100 रुपए, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट यानी कि एडीएम, यूपी सचिव, उप सचिव, अवर सचिव को 67,700 रुपए, जिला मजिस्ट्रेट, संयुक्त सचिव, उप सचिव को लगभग 78,800 रुपए, जिला मजिस्ट्रेट, विशेष सचिव, निदेशक को लगभग 118,500 रुपए, डिवीजन कमिश्नर, सचिव सह आयुक्त, संयुक्त सचिव को 144,200 रुपए और प्रमुख सचिव, अपर सचिव को लगभग 182,200 रुपए, अपर मुख्य सचिव को लगभग 205,400 रुपए, प्रमुख शासन सचिव को 225,000 रुपए, वहीं भारत के कैबिनेट सचिव को लगभग 250,000 रुपए वेतन के रूप में दिए जाते हैं। हालांकि ध्यान देने की बात यह है कि जब आईएएस अधिकारियों की ज्वाइनिंग होती है तो महंगाई भत्ता 0% निर्धारित होता है, जो समय के साथ बढ़ता जाता है। अधिकारियों का वेतन कार्यकाल और पदोन्नति के साथ बढ़ता जाता है। मूल वेतन हर साल प्रारंभिक स्तर पर 3% बढ़ता है। कैबिनेट सचिव स्तर पर यह तय है कि हर साल 0% से 14% तक महंगाई भत्ता भी बढ़ोतरी हो जाती है। आईएएस अधिकारियों को मिलने वाले वेतन को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। इसमें जूनियर स्केल, सीनियर स्केल, सुपर टाइम स्केल शामिल है। इसके साथ ही अधिकारियों को अन्य कई सुविधाएं भी मिलती है, जिसमें रहने के लिए घर, कुक और अन्य स्टाफ मेंबर भी मिलते हैं। आईएएस अधिकारियों को मिलने वाली सुविधाएं ही कारण है कि युवाओं में आईएएस अधिकारी बनने का जुनून होता है, क्योंकि कुछ समय की सच्ची लगन के बाद ही ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार समेत पूरे देश में आईएएस की कुर्सी प्रतिष्ठा भरी मानी जाती है। ऐसे में युवाओं का झुकाव इस पद के लिए क्यों है, आप इस बात का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।